सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। संजीव कुमार। कहाँ के रहने वाले हो और कहाँ पे आपकी जो है ये ट्रॉली बनाने की इंडस्ट्री लगाई गई है आपके द्वारा? ये खेड़ी गांव है, रायपुर रानी के पास है नज़दीक। तो क्या कुछ तैयार किया जाता है आप लोगों के द्वारा यहाँ? यहाँ पे मतलब जमींदारों के सभी सामान तैयार किए जाते हैं, ज़्यादातर ट्रॉली तैयार होती है। तो अभी ये ट्रॉली तैयार की गई है, क्या कुछ इस पे खर्चा आया है और कितने बाय कितने की ये ट्रॉली तैयार की गई है, क्या कुछ इसमें खास आपके द्वारा लगाया गया है? ये मतलब स्पेशल ट्रॉली है और इसकी कीमत अंदाज़ा 3.25 लाख रुपए है, 3,25,000 रुपये। और इसके हाइड्रोलिक जैक वगैरह मतलब हर चीज़ स्पेशल है, इसमें डाला है, लॉक है, लॉक सिस्टम है। तो कहाँ जाएगी ये ट्रॉली, किसने बनवाई है? ये ट्रॉली श्यामपुर गांव में जाएगी, लोकल हमारे। तो क्या कुछ है इसमें दिखाएंगे जरा, सीढ़ी लगाई गई है आपके द्वारा, किस तरह से खुलती है ट्रॉली, इसमें कुछ नई तकनीक आपने लगाई है उसके बारे में थोड़ा दिखाएं हमारे दर्शक देखने को। ये जो ताकी है उसको ताकी रोक आपने लग स्पेशल हैंडल है, स्पेशल टूल है नीचे। इसके साथ ये जो 1, 2, 3, 4, 5 लिखा है इसका क्या मतलब है? इसका साइज़ का मतलब है ये। अच्छा, कितना साइज़? हमने 14-7 की बनाई है, इसमें 14-7 में मतलब हमने सिस्टम बना रखा है। तो और क्या जैक के बारे में बता रहे थे पिछले डालने के, कुछ नया तरीका आपने खोलने के लिए बताया? हमने डबल जैक लगाया है, डबल जैक की कैपेसिटी ऐसी है 300 क्विंटल, आराम से गन्ना वगैरह डाल देते हैं बीच में तो आराम से उतरेगा। ऊपर भी हाइट भी इसकी काफ़ी बड़ी, हाइट जैसे हमने जाली लगाई है इसमें कनक वगैरह डालते हैं तो मान ले 3-4 किलो की इसके अंदर जीरी वगैरह आ जाएगी। पिछले डालने की बात करें तो पिछले डालने में देखेंगे पिछले डाला से डाला है, जब जमींदारों को नीचे ऊपर खोलने में बहुत दिक्कत आती है तो हमने ये हाफ डाला कर दिया है। तो दूसरी साइड से भी ऐसे ही खुल जाएगा? से भी ऐसे खुल गया। अच्छा, यानी कि ये 14x7 की ट्रॉली जो है तैयार की गई है। तो इसके अलावा और क्या कुछ इसमें खास है मजबूती के तौर पे इस पे लोहे की बात? पीछे हुक लगाई गई है, इसके पीछे एक और ट्रॉली डाल, एक और ट्रॉली डाल सकते हैं। और ट्रॉली में खास किया गया है, पीछे लाइटें लगा रखी हैं, जैसे हमें ट्रॉली मोड़नी है या किसी साइड लेनी है तो डिप कर देंगे तो आपको पता लगेगा पीछे। यानी कि नॉर्मल ट्रॉलियों में चीज नहीं होती ज़्यादातर ट्रॉलियों में। तो इसके साथ ही साइड के लिए अगर टायरों की है इसकी बात करें तो? हाँ, टायरों पे ये फोल्डिंग है हमारा सिस्टम, टायर वगैरह पंचर हो जाए तो रहते हैं। अच्छा, साइड में भी जो लाइट्स लगाई गई हैं इसमें? ये डिपर है, मान लो जैसे हमारी गाड़ी मुड़ रही है तो मान ले ट्रैफिक में कोई दिक्कत ना आए। आगे की अगर इसकी बात करें तो जैक पे ये यहाँ पे भी कुछ, ये पानी के टैंक है जैसे खेत में जाती है तो पानी इसमें डालो, कितना पानी इसमें आ जाता है? इसमें 15 लीटर पानी आता है, 15 लीटर पानी का जो है वो इसमें स्टोरेज की जा सकती है। और आगे बात करें तो आगे भी कई चीज़ें अलग कुछ दिखाई दे रही हैं, आगे हुक लगा रखी है। इसका क्या फ़ायदा? कई बार ट्राली फंस जाती है खेत में तो यहाँ पे टोकन डाल के हमारी ट्राली बाहर निकल सकती है। ये दोनों साइड में लगाई गई है? दोनों साइड में लगाई गई है। ठीक है। और इसके और ये रस्सा टाइट करने का सिस्टम है। अच्छा, जैसे गन्ना डालते हैं हम ट्राली में तो घुमा के रस्ते को टाइट किया जाता है, ये बिल्कुल लॉक हो जाएगा, बैक वापस नहीं जाएगा, मतलब रस्सा टाइट हो जाएगा। ये सिस्टम है इसमें, ये भी लॉक है, ये ट्राली खड़का नहीं करेगी मतलब। अच्छा, हमारी इंडस्ट्री है रायपुर रानी रोड खेड़ी गांव के नज़दीक है। तो अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो किस तरह से संपर्क करेगा, आपका मोबाइल नंबर कोई? ये ट्रॉली की बैक साइड में जो हमारी नंबर दिया हुआ है इससे कॉन्टैक्ट होगा हमारा। क्या नंबर है आपका? 9496-27994। इसके अलावा कोई और नंबर नहीं, यही नंबर है। क्या क्या औजार आपके द्वारा जो किसानी से जुड़े हैं यहाँ पे बनाए जाते हैं उसका थोड़ा सा एक बार बताएं? हैरो टिलर ट्रॉली हो गई, लेवलर हो गया, रोटावेटर हो गया, मतलब जो जमींदारों के साथ किसानों के जुड़े हुए औजार होते हैं वो हम सभी तैयार करते हैं। तो यदि कोई किसान आपसे किसी तरह की फ़ोन पे जानकारी लेना चाहता है तो वो आपको फ़ोन
करके संपर्क कर सकते हैं। हाँ जी हाँ जी, ये नंबर दिया हुआ है हमने, एक बार और नंबर बता दें जरा, 9960-27994। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। संजीव कुमार। कहाँ के रहने वाले हो और कहाँ पे आपकी जो है ये ट्रॉली बनाने की इंडस्ट्री लगाई गई है आपके द्वारा? ये खेड़ी गांव है, रायपुर रानी के पास है नजदीक। तो क्या कुछ तैयार किया जाता है आप लोगों के द्वारा यहाँ पे? यहाँ पे मतलब जमींदारों के सभी सामान तैयार किए जाते हैं, ज़्यादातर ट्रॉली तैयार होती है। तो अभी ये ट्रॉली तैयार की गई है, क्या कुछ इस पर खर्चा आया है और कितने बाय कितने की ये ट्रॉली तैयार की गई है, क्या कुछ इसमें खास आपके द्वारा लगाया गया है? ये मतलब स्पेशल ट्रॉली है और इसकी कीमत अंदाज़ा 3.25 लाख रुपये है, 3,25,000 रुपये। और इसके हाइड्रोलिक जैक वगैरह मतलब हर चीज़ स्पेशल है, इसमें डाला है, लॉक है, लॉक सिस्टम है। तो कहाँ जाएगी ये ट्रॉली, किसने बनवाई है यहाँ? ये ट्रॉली श्याम टू गांव में जाएगी, लोकल हमारे। तो क्या कुछ है इसमें दिखाएंगे जरा, सीढ़ी लगाई गई है आपके द्वारा, किस तरह से खुलती है ट्रॉली, इसमें कुछ नई तकनीक आपने लगाई है उसके बारे में थोड़ा दिखाएं हमारे दर्शक देखना चाहेंगे। ये जो ताकी है उसको ताकी बोलते हैं अपने लैग देते हैं, इसमें बॉक्स स्पेशल हैंडल है, स्पेशल टूल है नीचे। इसके साथ ये जो 1, 2, 3, 4, 5 लिखा है इसका क्या मतलब है? इसका साइज का मतलब है ये। अच्छा, कितना साइज? हमने 14-7 की बनाई है, इसमें 14-7 में मतलब हमने सिस्टम बना रखा है। तो और क्या जैक के बारे में बता रहे थे पिछले डालने के, कुछ नया तरीका आपने खोलने के लिए बनाया? हमने डबल जैक लगाया है, डबल जैक की कैपेसिटी ऐसी है 300 क्विंटल आराम से गन्ना वगैरह डाल लेते हैं बीच में, तो आराम से उतरेगा ऊपर भी, हाइट भी इसकी काफ़ी ऊपर हाइट, जैसे ये हमने जाली लगाई है इसमें कनक वगैरह डालते हैं तो मान ले 3-4 किलो की इसके अंदर जीरी वगैरह आ जाएगी। पिछला डालने की बात करें तो पिछले डालने में दिखाएंगे था, पिछले डाला जैसे डाला है, जब जमींदारों को नीचे ऊपर खोलने में बहुत दिक्कत आती है तो हमने ये हाफ डाला कर दिया है। तो दूसरी साइड से भी ऐसे ही खुल जाएगा? दूसरी साइड से भी ऐसे खुलेगा। अच्छा, यानी कि ये 14x7 की ट्रॉली जो है तैयार की गई है। तो इसके अलावा और क्या कुछ इसमें खास है मजबूती के तौर पे, इस पे लोहे की बात? पीछे हुक लगाई गई है, इसके पीछे एक और ट्रॉली डाल, एक और ट्रॉली डाल सकते हैं। और ट्रॉली में खास किया गया है, पीछे लाइटें लगा रखी हैं, जैसे हमें ट्रॉली मोड़नी है या किसी साइड लेनी है तो दिख कर देंगे तो आपको पता लगेगा पीछे। यानी कि नॉर्मल ट्रॉलियों में चीज नहीं होती ज़्यादातर ट्रॉलियों में। इसके साथ ही साइड के लिए अगर टायरों की है इसकी बात करें तो? हाँ, टायरों के ये फोल्डिंग है हमारा सिस्टम, टायर वगैरह पंचर हो जाए तो फुल कहते हैं। साइड में भी जो लाइट्स लगाई गई हैं इसके, ये डिपर है, मान लो जैसे हमारी गाड़ी मुड़ रही है तो मान ले